ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें मनी इन द बैंक पेपर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड आई एम श्योर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे रॉ के लिए। तो चलिए आपके एक्साइटमेंट को करते हैं डबल और बात करते हैं कि अगले रॉ के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अगले रॉ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अलग चीज़ बताने वाला हूँ। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी चीज़ जो कि WWE अगली रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर रही है, वो ये कि आखिर और कौन से बचे हुए सुपरस्टार क्वालिफाई करेंगे मनी इन द बैंक पेपर में होने वाले लैडर मैच के लिए। फिलहाल हमें रॉ से पता है दो सुपरस्टार फिन बैलर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन, और दो सुपरस्टार और कौन से होंगे जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी सारी चीजें अलग अलग स्टोरी लाइन के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। इसके अलावा वुमेन्स लैडर मैच का हाल भी कुछ ऐसा ही है, यहां पर भी एक ही सुपरस्टार क्वालिफाई कर गई है और वो है एम्बर मून। तो तीन सुपरस्टार भी कौन से होंगे ये हमें जानने को मिल सकता है शायद अगली रॉ के एपिसोड में। इसके अलावा रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महाल का अगले रॉ के एपिसोड में क्या होगा, और ये बात यहां से कंफर्म है जिस तरह का WWE अगली रॉ के एपिसोड के लिए प्रीव्यू दिखा रही है, हमें रोमन रेंस एंड जिंदर महाल के बीच ही कुछ देखने को मिलेगा। अब वो क्या होगा, क्या दोनों सुपरस्टार के बीच कोई क्वालिफाइंग मैच होगा या फिर मनी इन द बैंक तक की जो फ्यूड है वो घसीटने वाली है, चलने वाली है, ये तो हमें अगले रॉ के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन प्रीव्यू से लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महाल के बीच ही हमें कोई स्टोरीलाइन एंगल अगली रॉ के एपिसोड के लिए दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक जो बड़ा मैच कंफर्म है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कुछ सारी वीडियो में बताया कि सेथ रॉलिंस सबसे पहले ओपन चैलेंज रखा, उसके बाद केविन ओवंस ने इसका जवाब दे दिया कि वह एक्सेप्ट करेंगे रॉ के एपिसोड में। तो फाइनली सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच अगली रॉ के एपिसोड में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक मैच कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा जैसे कि हमने लास्ट रॉ के एपिसोड में देखा था बॉबी लेस्ली को, बॉबी लेस्ली का हमने एक पता नहीं किस तरह का इंटरव्यू देखा था जहां पर अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपनी सिस्टर्स के बारे में बताते हैं। तो लगता है WWE यहां पर पता नहीं क्या किस तरह का गिमिक चला रही है बॉबी लेस्ली का, और अगली रॉ के एपिसोड के लिए इसी तरह से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि बॉबी लेस्ली अपनी फैमिली के लिए फाइट कर रहे हैं। मुझे तो पर्सनली यहां पर काफी बुरा, मतलब बेकार सी लग रही है स्टोरीलाइन मेरे हिसाब से। तो काफी जैसे उनका नाम है डोमिनेटर वैसे उन्हें दिखाना चाहिए था, लेकिन यहां तो पता नहीं कैसा सॉफ्ट कॉर्नर टाइप दिखा रहे हैं जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी WWE ये दिखा रहे हैं कि बॉबी लेस्ली को अगले रॉ के एपिसोड में कौन चैलेंज करता है, ये वाकई में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मनी द बैंक पेपर के लिए आई एम श्योर WWE कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान करेगी बॉबी लेस्ली के लिए। इसके अलावा एक जो चैंपियनशिप बेल्ट है रॉ के अंदर, वो है रॉ के टैग टीम टाइटल्स। उनका कहां जा रहा है, उनकी कहानी कहां जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे कि हमने बैकलैश पेपर में भी देखा उनका कोई चैंपियनशिप के लिए मैच ही नहीं था, और लास्ट रॉ के एपिसोड में हमने उनका बोर्ड एलिसन कर्टिस एक्सल के साथ मैच देखा था। तो क्या मनी इन द बैंक पेपर में रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कोई मैच होगा भी या नहीं, और होगा तो उनका अपोनेंट कौन होगा, शायद इसकी कहानी में अगली रॉ के एपिसोड से भी पता चलती हुई दिखाई देगी। अब इन सभी सुपरस्टार के अलावा भी रॉ में काफी सारे ऐसे टैलेंट है जिनका फिलहाल तो सही यूज नहीं हो रहा। जैसे कि हम बात कर लें यहां पर ड्रू मैकइंटायर एंड जिगलर की, लग रहा है WWE ने काफी स्ट्रांग दिखा रही है, लेकिन किसके सामने, बहुत ही वीक टीम्स के सामने। अब देखते हैं क्या WWE कब तक जिगलर एंड ड्रू मैकइंटायर को वीक टीम के साथ चलाएगी, या फिर उनके सामने कोई तगड़ा अपोनेंट हमें देखने को मिलेगा। और भी काफी सारे यहाँ पर ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके चांसेस हैं कि शायद वो हमें क्वालिफाइंग मैच में आते हुए दिखाई दे जाएं, जैसे कि हो सकते हैं बैरन कॉर्बिन, बॉबी रूड, एलायस, बॉबी लेस्ली। लिस्ट तो ये काफी लंबी चलती चली जाएगी, जैसे कि चैड गेबल हो सकते हैं, रोमन रेंस हो सकते हैं, जिंदर महाल हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली होगा क्या ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अगली रॉ के बारे में बताने वाला हूं, और वो ये कि इस बार ये रॉ का जो एडिशन होने वाला है ये USA में नहीं होगा बल्कि ये होगा लंदन में। तो ऐसे में टाइम डिफरेंस होने वाला है, और ऐसे में जो हमें रॉ का एपिसोड देखने को मिलेगा इस बार वो लाइव नहीं होगा, पहले से टेप्ड होगा, मतलब कि प्री रिकॉर्डेड हमें रॉ का एपिसोड देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो भी चीज़ें रॉ में पहली हो जाएंगी, क्योंकि ये तो टेप्ड सेगमेंट होगा, तो जो चीज़ें हैं वो तो पहली लाइव हो जाएंगी लंदन में। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स आ सकते हैं क्योंकि रॉ तो टेप्ड होने वाले, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए ताकि आपको अगली रॉ से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स चैनल पर मिल सकें। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि अगली रॉ के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आपको क्या लगता है मेंस वुमेंस के लैडर मैच के लिए कौन कौन से सुपरस्टार क्वालिफाई करने वाले हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।